नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में 5 नवंबर 2019 के करंट अफेयर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग क्विज करेंगे, क्विज इसके बाद करेंगे, पहले हम लोग थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जान लेते हैं आज के दिन की जो है। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र पर कंटेनर कार्गो अब तक की पहली आवाजाही के लिए जो है वो ओपन कर दिया गया है। तो आज का ये सबसे बड़ी एक न्यूज़ है आपके आगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है उस पर ब्रह्मपुत्र नदी पे वो बना हुआ है, उस पर कंटेनर कार्गो जो है वो अब तक स्टार्ट नहीं था और पहली बार स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ से है? शिपिंग मंत्रालय ने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पे है, से पांडू गुवाहाटी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 तक जल मार्ग पर जाने के लिए एक लैंडमार्क कंटेनर कार्गो को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 12 से 15 दिनों की एक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पे गंगा नदी से लेके और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 97 सुंदरवन भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग तथा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 के रास्ते से होके ये आवाजाही होगी इसकी। इस आवाजाही से हमें लाभ क्या होगा ये भी हमें पढ़ना है। तो अंतर्देशीय जल परिवहन जो है इस मार्ग से इसका यूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे कच्चा माल जो है वो कच्चा माल या इससे तैयार उत्पाद जो है उसका उसकी आवाजाही होगी। और एक बात आपको मैं बता दूं कि पानी की रास्ते से जो भी चीज़ें मंगवाई जाती है, भेजी जाती है, उसका ढुलाई जो है वो खर्चा बहुत कम होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि पैसे की बचती होगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन के लिए ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो खोला गया है। अच्छा, बात हो रही है कि ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल क्या है, इसमें बार बार बात हुई है। तो भारत बांग्लादेश का एक प्रोटोकॉल है। इस समझौते के तहत एक देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के मार्गों में आ जा सकते हैं। ये बेसिकली एक समझौता है। ये समझौता हुआ था कब? 5 अक्टूबर को समझौता हुआ था। अभी इस साल 5 अक्टूबर 2019 को ही ये समझौता हुआ था। सो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है ये कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सदिया से धुबरी के बीच में है, 891 किलोमीटर का है, वो भी आपको याद रखना है, 891 किलोमीटर। सबसे बड़ा भारत का लंबा जलमार्ग जो है वो गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और 1620 किलोमीटर प्लस उसकी लंबाई है। ठीक है, 1620 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1629-28 के आसपास कई किताबें उसे 1629 लिखती है, कई 1620 लिखती है, तकरीबन इतने किलोमीटर उसकी लंबाई है। अच्छा, वो गंगा नदी पे बना हुआ है, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज से हल्दिया कोलकाता तक वो एक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि 15 साल से अधिक पुराने जितने भी वाहन हैं उन पर रोक लगा दी जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। कारण क्या है? प्रदूषण के लिए। बिहार के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो बहुत ही चिंताजनक है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्होंने बेसिकली कहा है कि वहाँ का PM2.5 जो है या 428 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुँच चुका है। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है, इस करके इन्होंने कहा है कि 15 साल से अधिक जितने भी वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के परिचालन के लिए प्रदूषण की जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और पुराने प्रदूषण प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं होगा अब से। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बिहार की राजधानी पटना जो है वो क्या है, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है आज का कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें हम लोग, तो फीफा वर्ल्ड कप आपको बता दूं मैं 2022 में होगा। 2022 में होगा और ये कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा और इसके लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था? तो रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। वो जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हरा के जीता था, याद रखिएगा। और 2022 का कहाँ पे होगा? ये होगा आपका कतर की राजधानी दोहा में होगा। नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान का एक काफ़ी चर्चा में आजकल न्यूज चल रही है। पाकिस्तान के अंदर एक करतारपुर गुरुद्वारा है, ठीक है, और पाकिस्तान ने उद्घाटन से पहले करतारपुर का टिकट और सॉन्ग भी लॉन्च किया है। ये जो डाक टिकट है ये गुरुद्वारा जन्म स्थान
ठीक है, इसके नाम से, इसके ऊपर एक तस्वीर है, इसके नाम से एक लॉन्च किया गया है, ये पाकिस्तानी 8 रुपये का डाक टिकट है, याद रखिएगा आप लोग, और इसका उद्घाटन 9 नवंबर को किया जा रहा है अभी। आप सुन सोच रहे होंगे कि करतारपुर गुरुद्वारा इतना चर्चा में क्यों है, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में तो स्थित है, और यहाँ पे ये गुरु नानक देव जी की यहाँ पे समाधि बताते हैं, उन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष भी यहाँ बताए थे, 17 से 18 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के यहीं बिताए थे, और 1522 में करतारपुर साहिब में रहने लगे थे यहाँ पर ये। और सिख इतिहास के अनुसार अगर बात करें गुरु नानक देव जी की 4 प्रसिद्ध यात्राओं में से ये भी एक सबसे प्रसिद्ध यात्रा है, और यह भारतीय सीमा से तकरीबन 3 किलोमीटर और लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे के अंदर माना जाता है एक कुआं भी है जो कि गुरु नानक देव जी के समय का ही है, और इस कुएं को लेकर श्रद्धालु ये कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लंगर व्यवस्था शुरू हुई थी। एक बेसिकली आपका एक जीके का क्वेश्चन भी आता है कि गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था स्टार्ट की थी, तो आप याद कर सकते हैं कहाँ से की थी, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से की थी। सो इसी वजह से ये चर्चा में है करतारपुर गुरुद्वारा साहिब। अब से जब अब तो ये ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले दूरबीन से दर्शन किया करते थे सिख श्रद्धालु इसका। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि रेल टिकट भुगतान यूपीआई से करने पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है, इससे करने से सर्विस चार्ज में 50% की छूट देगा रेलवे। रेलवे का डिपार्टमेंट है आईआरसीटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, और ये अब 50% इस पर छूट देगा। एसी के टिकट के लिए सर्विस चार्ज 30 की बजाय 20 रुपये लगेगा, स्लीपर के लिए 20 की बजाय 10 रुपये लगेगा सर्विस चार्ज, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगला है, पहली बार सड़क के गड्ढे भरने की मशीन बनाई गई है, 2 लोग दिन में 100 गड्ढे भर सकेंगे। सड़क के गड्ढों को ठीक करने के लिए 9000 से ज़्यादा हादसे हुए हैं एक साल में, और इसमें तकरीबन 3500 से ज़्यादा लोगों की जानें भी जा चुकी है। इस करके सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मशीन तैयार की है, ठीक है, जिससे गड्ढे भरे जा सकेंगे। ये जो आपको फ़ोटो में दिख रही है, ठीक है, यही वो मशीन है। चलिए, हमारी जो क्विज स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, निम्नलिखित में से किस पुरुष हॉकी टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए रूस को 7-1 से हराया है, ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस हॉकी टीम हैज़ क्वालिफाइड फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक आफ्टर थ्रेशिंग रशिया 7-1। रशिया को 7-1 से हराने वाली टीम जो है वो हमारे भारत की ही है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, भारत ने हराया है रशिया को, अब ओलंपिक के लिए हराया है, तो बात करते हैं हम लोग ओलंपिक के स्टार्ट कब हुए थे, ओलंपिक सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में हुआ था, ग्रीस एथेंस में हुआ था, और ये अमेरिका ने जीता था पहला ओलंपिक आपका, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ओलंपिक पेरिस में हुआ था, ऐसे ये पूरी सीरीज है आपकी। और अभी रिसेंट अगर ओलंपिक की मैं बात करता हूं तो 2016 में ओलंपिक हुआ था, उससे पहले अगर मैं थोड़े से और आपको सीक्वेंस बताऊं तो 2004 में भी एथेंस में हुआ था, जिसमें हमारे एक राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। उसके बाद 2004 का ओलंपिक हुआ है एथेंस में, याद रखिएगा। 2008 का ओलंपिक जो हुआ है वो है बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ है आपका। और 2012 का जो ओलंपिक हुआ है वो हुआ है लंदन में। 2016 का ओलंपिक हुआ है रियो शहर में, ठीक है, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। और 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, 2020 का ओलंपिक वो हो रहा है टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। ब्राज़ील की राजधानी नहीं है रियो, याद रखिएगा आप लोग, ब्राज़ील का शहर है रियो, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि 2024 के ओलंपिक जो हैं वो कहाँ होंगे, 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे। आप क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन का आंसर दिया करें कि जैसे ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे, ठीक है। बात रशिया को हराने की हुई थी तो मैप में आप रशिया को भी देख लीजिएगा, ये रशिया है आपका। रशिया के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आपका व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की राजधानी है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। और रशिया की जो जनसंख्या है 14.45 करोड़, ये 2017 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश है रशिया, जो आपको पूरा मैप में दिख रहा होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार मिलेगा? आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार मिलेगा रजनीकांत को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड जो है वो 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वो किसको मिलेगा? रजनीकांत को। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है रजनीकांत। और बात करें हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये अवार्डेड 1965 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट 2018 में दिया गया था और ये गोवा में दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और इसे फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर जो हैं वो इसे ऑपरेट करते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में और इसकी स्थापना हुई थी जो आईफा की वो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा किसको? इसोबेल हुपर्ट को। बी ऑप्शन सही है, इसोबेल हुपर्ट को मिलेगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है इसोबेल हुपर्ट और इन्हीं को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है, किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट यानी कि मिट्टी पे अपनी कला दिखाने वाले ने इतलावी गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीता है? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, सुदर्शन पटनायक। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है सुदर्शन पटनायक और ये काफ़ी बार अवार्ड जीत चुके हैं ये सुदर्शन पटनायक। और ये आपकी जैसे मिट्टी पे इन्होंने कलाकृति बना रखी है, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं ये। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, कि इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के जो नए एमडी और सीईओ होंगे वो होंगे सुमंत कठपालिया। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही होगा, सुमंत कठपालिया। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है सुमंत कठपालिया। और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 को, 1994 को, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, इनसे पहले कौन थे इस बैंक के सीईओ? तो उनका नाम था रोमेश सोबती, याद रखिएगा रोमेश सोबती। और अब हम हाल ही में जो बने हैं वो सुमंत कठपालिया बने हैं। नेक्स्ट है, सरकारी अस्पताल में रोबोट सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो सरकारी अस्पताल में रोबोट सर्जरी सुविधा का उद्घाटन जो है वो किया गया है न्यू दिल्ली में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी कहाँ पे? दिल्ली में भी, कहाँ पे? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जो है या वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो है इसके अंदर ये स्टार्ट किया गया है रोबोटिक सर्जरी। आपको फोटो में दिख रहा होगा रोबोट ही सर्जरी करेंगे, ठीक है, और ये पहली बार दिल्ली के अंदर इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो एमटीएनएल और बीएसएनएल जो है इसकी मंजूरी दे गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। बात एमटीएनएल और बीएसएनएल की हुई है तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। बीएसएनएल के सीईओ का नाम क्या है? प्रवीण कुमार पुरवा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, ठीक है, वो याद रखिएगा आप लोग। और बात करें हम लोग एमटीएनएल, तो एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, ठीक है, और इसके सीईओ, दुनिया का सबसे सुंदर नाम, सुनील कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका भी आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसे हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है? तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के नए कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। जो बीजेपी पार्टी है उसकी इस बार 40 सीटें आई हैं, ठीक है, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की 31 सीटें आई हैं, जजपा की 10 सीटें आई हैं आपकी, इनेलो की एक आई है, एक हलोपा हरियाणा लोक हित पार्टी उसकी भी एक सिरसा सीट आई है आपकी। तो सबसे बड़ी पार्टी तो अभी वर्तमान में वही है आपकी बीजेपी पार्टी है, और बीजेपी और जेजीपी इन दोनों की गवर्नमेंट अभी हरियाणा में चल रही है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि हरियाणा में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर, और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से नंबर के बने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है आपको, 8 नंबर आपको कहना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्वेश्चन जो है आंसर जो है आप बता रहे हैं मुझे ये। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में पहली बार भारत में 90 लाख नौकरियां घटी है? तो 90 लाख नौकरियां घटी है ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कहा ऐसा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, और इसके वाइस चांसलर है अनुराग बहर, अनुराग, याद रखिएगा अनुराग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है। तो इनका नाम है एरोन फिंच। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है, एरोन फिंच। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है एरोन फिंच। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो मैप में देख लीजिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ का डायलिंग कोड है +61, करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की जनसंख्या 2017 वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2.46 करोड़ है, याद रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया, इसे गेम कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60% से ज़्यादा आबादी हर हफ्ते गेम में इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसका उद्देश्य है लोगों में सुनामी के प्रति जागरूकता फैलाना। पहला विश्व सुनामी दिवस जो है वो 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था, वो भी आप याद रख लीजिएगा। और 2019 के सुनामी जागरूकता दिवस का जो थीम है वो आपका है 7 कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन जो है ये बचाव कार्य के लिए किया जा रहा है। सुनामी के समय किस प्रकार से अधिकतम बचाव किया जा सकता है और कम से कम नुकसान हो इसके लिए जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ है? तवांग महोत्सव जो है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यह अरुणाचल प्रदेश का एक वार्षिक उत्सव है जिसकी शुरुआत साल 2012 में की गई थी और ये अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, परंपरागत नृत्य भी होते हैं, देसी खेल भी होते हैं, फिल्में आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है। और इस महोत्सव का इस बार का मुख्य आकर्षण याक नृत्य और अजी लामू नृत्य था। इस प्रकार के डांस याक नृत्य और अजी लामू नृत्य था। बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो मैप में आप अरुणाचल प्रदेश को भी देखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत की जो है सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और दूसरी बात, एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको हम लोग दिहांग कहते हैं, वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी एक सहायक नदी है दिबांग, और यहाँ पे आते हैं उसको दिहांग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया है 83,743 किलोमीटर स्क्वेयर। कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है और जनसंख्या 12.6 लाख है 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, मानिएगा आप लोग ये 12 में जो डेटा आए हैं। और बात करें हम लोग यहाँ के राज्यपाल की, तो ये तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे 12वें क्वेश्चन के राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। सो, इतने ही थे आज के हमारे करंट अफेयर। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर तो कीजिएगा ही, हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि लाइव को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप कमेंट में लिख के भी बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।